एक हॉस्पिटल बनाने को कितना टाइम पीरियड लगता है, एक हॉस्पिटल बनाने से पहले हम किन चीजों का ध्यान रखें, आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपके माइंड में एक थॉट आया अपना हॉस्पिटल बनाने का। नमस्कार, मेरा नाम दीपक ठाकुर, मैं फाउंडर एंड सीईओ पेस पैसिफिक एशिया कंसल्टिंग है। डॉक्टर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स कम्युनिटीज। सबसे पहले अगर आपने हॉस्पिटल बनाना है तो आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी कि आपको अपना हॉस्पिटल सिटी के सेंटर में बनाना है या आउटस्कर्ट्स में बनाना है, किस तरह की लैंड आप बाय करने वाले हैं, कितना टाइम पीरियड लगेगा, इन चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। अब ये डिसाइड कर लो कि आपको हॉस्पिटल खुद से चलाना है और एल्स आपको किसी के साथ मर्जर पे करना है या किसी के साथ पार्टनरशिप पे करना है। आपके क्या क्या रोल्स होने वाले हैं, अगर आप एक डॉक्टर हो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है और अब वो अपना हॉस्पिटल बनाने की सोच रहा है, तो आपको पहले ही क्लियर करना पड़ेगा कि आपको मैनेजमेंट पे कौन कौन सी चीजें खुद से हैंडल करनी है। बिकॉज इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स मैनेजमेंट तो आपको ओपीडी सर्जरीज ये सफर करेगी बहुत ज्यादा। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट मैं 10 सालों से डॉक्टर्स की प्लेसमेंट करवा रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको आज सारी चीजें बता रहा हूँ। कभी भी आपको लगे कि कोई चीज एड ऑन करवा सकते हैं या मैं गलत बोल रहा हूँ, आप कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। आई टेक केयर ऑफ दिस थिंग बाय नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी। अब हमने लैंड जो लेनी है वो लेनी कौन सी है, वो लैंड लेने के लिए हमें कितने अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले लेते हैं तो उसकी NOCs और वो सब लेने में 2 से 3 महीने आराम से जाते हैं। पर जब आपको ये आपने डिसाइड किया कि मेरे को लैंड बाहर लेनी है, मतलब सेंटर में नहीं लेनी, सिटी के सेंटर में नहीं लेनी, बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियस है रेट ज़्यादा होगा, तो आप क्या स्पेशलिटीज के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं, आपका विजन क्या है, क्या आप सिंगल स्पेशलिटीज में जाएंगे या आप मल्टी स्पेशलिटी में जा रहे हैं। इसके फेजेस रख लीजिए। फेज 1 में मेरे को इतने डिपार्टमेंट्स चलाने हैं जो कि मुझे पता है मैं अपने साथ साथ उन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी में ले आऊंगा। आज की डेट में हॉस्पिटल बनाने से लेके चलने तक का जो ड्यूरेशन है दैट कम्स अराउंड 5 ईयर्स। वो कैसे होता है, सबसे पहले आता है डिजाइनिंग पार्ट। आपने लैंड बाय कर ली, लैंड बाय करने के बाद आपका आ जाता है डिजाइनिंग पार्ट। वो डिजाइनिंग पार्ट को लगते हैं 2 से 3 महीने। कैसे, मतलब कौन से फ्लोर पे क्या चीज होगी, पार्किंग कहाँ पे होगी। इफ यू आर मेकिंग 100 बेड या 150 बेड का हॉस्पिटल तो 100-150 की गाड़ियों की पार्किंग होनी चाहिए। आज की डेट में हर बंदा गाड़ी में ही आ रहा है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें। ये मैं टायर 2 सिटी की बात कर रहा हूँ, टायर 2 एंड टायर 3 की। अगर 100 बेड का हॉस्पिटल तो कम से कम 50 गाड़ियों की पार्किंग होनी ही चाहिए। तो इन फेजेस के हिसाब से ही आपको लैंड बाय करनी चाहिए। Rather than एक फ्लोर बढ़ाने से अच्छा है आप लैंड ज्यादा बाय कर ले, क्योंकि फेज 1 में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 50 बेडेड से स्टार्ट करता हूँ, जब तक फेज 2 या फेज 3 आएगा जहाँ पे आप 150 बेडेड बनाना चाहेंगे तो ऑब्वियस आपको स्पेस चाहिए होगी। तो लैंड बाय करना आज की डेट में अपने विजन के हिसाब से ही करिए, क्योंकि अगर आज की डेट में आपने लैंड कम बाय की, कल को उसका रेट बढ़ जाएगा और वो आपको डबल उसमें पड़ेगी कॉस्टिंग में। और हो सकता है कि वो लैंड अवेलेबल ही ना हो, आपके साथ में भी कोई आ गया, आपके पीछे आगे भी कोई आ गया। तो उस केस में जैसे हमारे एक क्लाइंट के साथ हुआ है, दोनों तरफ रोड है और दोनों साइड्स पे बिल्डिंग बन, अब वो एक्सपेंड करना भी चाहें तो कर नहीं पा रहे, और एक हॉस्पिटल का उनको जो फ्लोर्स का है कि वो 4 फ्लोर बना सकते थे, उन्होंने 4 बना लिए। तो लैंड बाय करना सबसे बड़ा पॉइंट आता है। उसके बाद आता है कि आपने लैंड बाय कर ली, डिजाइनिंग, उसकी डिजाइनिंग को कम से कम 2 से 4 महीने लगे। कौन सा फ्लोर पे क्या ओटी होगा, ओपीडी कहाँ होगी, पार्किंग कहाँ होगी, ये सारी चीज़ों को डिजाइनिंग में ही जा सकते हैं। वंस ये साथ काम हो रहा होगा उसी के साथ आप प्लान कर लें कि आपको अपनी ये जो हॉस्पिटल है क्या बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, LLP बनाना है, प्रोप्राइटरशिप बनाना है, या क्या करना है, किस विजन के साथ आपको आपके टैक्सेस को या आपके कैश फ्लो को मेंटेन करना है। इसके बाद पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में एटलीस्ट नाना बोल के भी 2 साल लगेंगे ही लगेंगे, और इस कंस्ट्रक्शन को 3 तरीके में डिवाइड किया जाता है, और उसकी कॉस्टिंग जो आज की डेट में आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली जैसे सिविल की आ रही है कुछ 850-1200 के बीच में। देन आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लम्बिंग की, ये कॉस्टिंग आ रही है 950-2000 के बीच में। एंड लास्ट जो आता है इंटीरियर का, इंटीरियर 850-1200 के बीच में इंटीरियर की कॉस्टिंग आ रही है। और अभी के टाइम पे अगर आपको NABH के लिए जाना ही है, ऑब्वियस है कि आप बड़े हॉस्पिटल अगर बना रहे हो 50 या 100 बेड का, तो अगर आपको NABH के लिए जाना है तो पर बेड अप्रॉक्सीमेटली 800 स्क्वायर फीट की जरूरत है।
अगर आप फेज 3 तक पहुंचना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग भी आप मैनेज कर सकते हैं कि क्या क्या आने वाला है। फेज 1 और फेज 2 के बीच की जो जर्नी होगी वो कैसी रहेगी, रीजन बीइंग जब ये 2 साल का टाइम पीरियड निकलेगा, अगर आपने लोन लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू होने वाली है, NABH होने तक का टाइम आपको मैनेज खुद से करना पड़ेगा क्योंकि कैशलेस कुछ भी नहीं होगा, सब कैश होगा। तो ये प्लान आउट करके चलना पड़ेगा कि 5 साल मेरे को करना कैसे है, अब जो डिपार्टमेंट्स आपके नए होंगे वो कैसे चलेंगे। NABH होने के बाद ही इम्पैनलमेंट्स आएंगे, ECHS, CGHS, और उसको भी एटलीस्ट 6 to 8 months लगेंगे, कभी भी कभी 1 साल भी लग जाता है। तो अभी मान के चलिए कि एटलीस्ट हॉस्पिटल बनने के बाद भी आपको कम से कम 2 साल उसको ब्रेक इवन पे ले जाने के लिए लग जाएंगे। वंस ही कंस्ट्रक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है टेस्टिंग मोड। इस जो जो हमने मशीन्स लगाई हैं उसका टेस्टिंग कैसा है, टेस्टिंग के लिए एटलीस्ट ना बोल के भी 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। इसके बाद आ जाता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके ही हॉस्पिटल स्टार्ट करें ताकि आपकी सारी जो वेंडर्स आपने लिए हुए थे उनसे आप NOCs जरूर ले लें। इस टाइम पीरियड को जैसे हमने कैलकुलेट किया है कि डिजाइनिंग से लेके एंड तक जब तक कंप्लीशन होती है ये 3 साल का मिनिमम वो लग जाता है, और 3 से आगने वाले 2 साल आपको खुद से सर्वाइव करना है। तो ये पूरा प्लान आउट करके ही हॉस्पिटल की तरफ जाएं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये 4-5 चीजें डिजाइनिंग से लेके वो सब, अगर इस पर बात करने लगे तो पूरे 2 दिन भी कम पड़ेंगे, और आने वाले वीडियोस में हम एक एक पॉइंट को इलैबोरेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।